हेलो गाइस, वेलकम द गेमिंग टीज स्पार्क। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि गेम की जो सेंसिटिविटी है वो कैसे ठीक करें और बंदूक की रिकॉयल कैसे कंट्रोल करें। तो चलो एक गेम ले लेते हैं। पहले एक गेम लेते ही हम लोग फिर बात करेंगे कि वो कैसे कंट्रोल करता है। पहले एक गेम को मैक लगा लेते हो, मैक लगा के और कंपनसेटर से तो ज़्यादा होता है, कंपनसेटर नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, सप्रेसर यूज़ करेंगे। चलो फिर सप्रेसर यूज़ करते ही हम लोग जो ट्रेनिंग, ये जो है पबजी का जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग सेंटर, इसमें हम ये टेस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। चलो देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है वो। और आप हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो आप 3x लगा के, ये देखो ADS ऑन रखना है। ADS को ऑन रखना है, फिर जो है यहाँ पे थोड़ा नीचे आने से बाद ऑलवेज ऑन जायरोस्कोप कर देना है और सेंसिटिविटी में जाके कस्टमाइज, ये दोनों को फुल, तीनों को पूरा फुल कर देना है। फुल करके स्प्रे मारने से क्या होता है, 40 से 45 से 50 या 60% कम हो जाता है रिकॉयल। और अगर आप इसको पूरा फुल कर दोगे तो ये 60 से 70% रिकॉयल कम हो जाएगा। 60 से 70% रिकॉयल कम होने से पबजी में बहुत ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एनिमी आते ही उसका स्प्रे मारने से 4-5 तो हेडशॉट या बॉडी शॉट लग ही जाएगा। 4-5 लगने से बहुत उसका डैमेज भी आएगा और नॉक भी हो जाएगा, मर भी जाएगा। इसलिए देखो दूर पे स्प्रे करके देखते हो। AKM से दूर में स्प्रे करने से थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि ये देखो बहुत ही अच्छा रिकॉयल हो रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। 60 से 70% हो जाएगा, आप ये टेस्ट करके देखो। और आप लोगों को एक बार फिर से विदाउट सेंसिटिविटी यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ये सेंसिटिविटी विदाउट सेंसिटिविटी क्लोज करके फिर ये देखो रिलोड करके दिखा रहा हूँ। हाँ ये देखो कैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। भाई ये गोली नहीं भाई, ये तो और ही कुछ है। आप ऑन करके देखो, ऑन करके सेंसिटिविटी फुल 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 करके आप देखो, बहुत बहुत ही रिकॉयल कंट्रोल में हो रहा है, बहुत ही रिकॉयल कंट्रोल में हो रहा है। आप देखो, चलो AKM छोड़ के और कोई गन ले लेते हैं, देखते हैं AKM छोड़ के और कोई गन लेके। चलो इससे देखा रहा हूँ, बहुत ही कम हो जा रहा है। M4 से दिखाता हुआ, M4 से रिकॉयल चलो देखते हैं कैसा होगा। M416 एमओ भी ले लेते हो, क्योंकि M416 में एमओ की बहुत कमी होता है। M416 से देखो रिकॉयल, भाई ये तो बहुत बीस्ट होता है पबजी में। M416 बहुत ही अच्छा वाला गन है, इससे रिकॉयल बहुत ही कंट्रोल होता है। ये देखो आप लोगों के बताने से मैं ये वीडियो आज बनाया हूँ। देखो एक ही बार में स्प्रे करने से एक ही बार में वो ऑटो फूट जाएगा, देखो। हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रिकॉयल भाई, बहुत ही अच्छा रिकॉयल मिलता है, टेस्ट करके देखना। और भाई मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, सपोर्ट मी गाइस। भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई। मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो हर समय लेके आऊँगा भाई। वेलकम, देखो ये बहुत दूर चला गया भाई, हो जाता था भाई, लेकिन मैं, चलो देखते हैं। एमओ भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो बाइक में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो बाइक में ऐसा रिकॉयल तो बहुत ही अच्छा होता है भाई,
गेम के टाइम में ऐसा रिकॉइल मिलता है तो एनिमी को हेडशॉट बहुत ही मिलता है, वो स्नाइपर की ज़रूरत ही नहीं है, एयर से ही स्नाइपर की तरह मार सकते हो आप लोग। देखो देखा है क्या, बहुत ही अच्छा रिकॉइल है, बहुत ही अच्छा। चलो M4 का तो गोली ख़त्म हो गया, ग्रोजा से देखो, ये देखो ग्रोजा से बहुत ही अच्छा रिकॉइल मिलता है, सब फुल कर देना है, सिर्फ फूट चुका है भाई। देखो बाद में एक TDM का गेम प्ले है, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि रिकॉइल कैसे कंट्रोल होता है। भाई ज़्यादा मत नाच, स्टार्ट कर। हाँ स्टार्ट। देखो भाई बात ज़्यादा नहीं करते और सिर्फ आप गेम प्ले की मज़ा लो। हाँ देखो, और भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़।